दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग बार बार कह रहे थे कि कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है PNP की तरफ से। हम कैसे मान लें कि DLED के एग्जाम जो है रद्द हो गए हैं, अब 23 मार्च से नहीं होंगे। तो देख लीजिए, कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, देखिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 581/5/5/2020 चिकित्सा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 17 मार्च 2020 द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य उपाय लागू किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के बिंदु 3 के परिप्रेक्ष्य में DLED 2019 प्रथम सेमेस्टर, DLED 2017-18 और फिर BTC 2013-14-15 अनुत्तीर्ण अवशेष की दिनांक 23/3/2020 से एवं DLED 2018 तृतीय सेमेस्टर, DLED 2017, BTC 2013-14 और 2015 अनुत्तीर्ण अवशेष की दिनांक 26 से प्रस्तावित परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। आगामी परीक्षा कार्यक्रम पृथक से निर्गत किए जाएंगे, यानी कि जो ये डेट में परीक्षा होने वाली थी ये अब स्थगित हो गई है। अब अगली डेट अलग से जब निकलेगी तब जो है उसका कार्यक्रम अलग से घोषित होगा। तो ये परीक्षा मान के चलिए 2 अप्रैल के बाद ही होगी, क्योंकि 2 अप्रैल तक सभी कॉलेज और विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। तो 2 अप्रैल से पहले तो ये परीक्षा हो पाना असंभव है, इसलिए अब ये 2 अप्रैल के बाद ही परीक्षा होगी। यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के साइन भी हैं, तो ये क्लियर हो गया है कि अब परीक्षा जो है 2 अप्रैल के बाद ही होगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और जो है अब परीक्षा 2 अप्रैल के बाद किसी भी डेट में हो सकती है, उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।